स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट आरटीओ, साथ ही साथ दोस्तों इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी यहां पे दोस्तों अच्छी खबर निकल के सामने आ गई है। यानी कि दोस्तों बोर्ड ने यहां पर आप लोग के दोस्तों अप्लाई के लिए जो है पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया है। और केवल इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग के लिए दो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। उसके साथ साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में आपकी जो है किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई हुई है, चाहे एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में, तो दोस्तों आप लोग का जो है कंपार्टमेंट का पेपर किस तरीके से आने वाला है, कंपार्टमेंट में क्वेश्चन कहां से आते हैं, तो सारा चीज दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है आपको यहां पर बताने वाला हूं। कंपार्टमेंट के पेपर का दोस्तों पीडीएफ भी देने वाला हूं, तो 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से दोस्तों हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कंपार्टमेंट को लेकर दोस्तों आप लोग के पास काफी कम टाइम है। तो ऐसे में दोस्तों आपको जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है मेरे चैनल पे दोस्तों आज से आपको जो भी मिलने वाला है, साथ के साथ दोस्तों करते चलिए। बहुत ही इजी तरीके से आप लोग कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर कर रहे होंगे। कंपार्टमेंट में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कंपार्टमेंट आ गया है तो कंपार्टमेंट से डरना नहीं है, कंपार्टमेंट से लड़ना है। तो दोस्तों कंपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर करना है, आपके पास जो समय मिला है उसको पूरी अच्छी तरीके से दोस्तों यहां पे इस्तेमाल करिए। जल्दी से दोस्तों हम यहां पे शुरुआत करेंगे पहली अपडेट से। तो सीबीएसई बोर्ड के काफी सारे स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट के हैं, आरटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं और जो बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि हमारा डेटशीट कब आएगा। तो सीबीएसई बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है कि हमने डेटशीट बनाना चालू कर दिया है, यानी कि मई के ही आखिर में जो है आपको डेटशीट मिल जाएगा। तो डेटशीट को लेकर आप लोग परेशान ना हो। वहीं हम दोस्तों बात करें तो दूसरी बड़ी अपडेट जो यहां पर आप लोग के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाला है, अगर आपकी दोस्तों कंपार्टमेंट आ गई है और आपके कंपार्टमेंट दोस्तों यहां पे आपको लगता है कि गलत दे दिया गया, आप कंपार्टमेंट डिजर्व नहीं करते हैं, एक नंबर से आपको मिल गया है कंपार्टमेंट, या दो नंबर से मिल गया है, या फिर तीन नंबर से आपको कंपार्टमेंट मिल गया है और आपको ऐसा लगता है कि मैं कंपार्टमेंट डिजर्व नहीं करता हूं, मैंने अपने पेपर में इतना अच्छा तो किया था कि मेरे कंपार्टमेंट नहीं आ सकते थे, या फिर वो सभी स्टूडेंट जिनको ऐसा लगता है कि मैंने जो है 90% आ जाने चाहिए थे लेकिन मेरा रिजल्ट में जो है 60-55% कर दिया गया है, यानी काफी कम नंबर मुझे दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग के लिए यहां पर एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों यहां पे लिंक को जो है बोर्ड के वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है। आप लोग यहां पे देखेंगे तो सीबीएसई बोर्ड ने दोस्तों यहां पे कॉपी को रीचेकिंग और वेरिफिकेशन का दोस्तों यहां पे लिंक को जो है यहां पे अपडेट कर दिया है। यहां पर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो पूरी तरीके से लिंक जो है यहां पे बोर्ड के वेबसाइट पे अपडेटेड हो चुकी है। बस यहां पे दोस्तों आप लोग देखेंगे तो इसके आसपास जो है रेड सर्कल बना हुआ है, यानी बस ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। जैसे कि ये जो है आप लोग नीचे भी पढ़ पा रहे होंगे, ये एक्टिवेट नहीं हुआ है क्योंकि एक्टिवेट दोस्तों 16 मई को होगा। तो यहां पे दोस्तों आप लोग जो है यहां से जाके क्लिक करके अप्लाई कर पाएंगे, खुद से ही दोस्तों आप लोग ये अप्लाई कर पाएंगे रीचेकिंग के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जो है यहां पे इनजस्टिस हुआ है मेरे साथ, मेरे को यहां पे जानबूझ के फेल कर दिया गया है, देन दोस्तों आप अपने मार्क्स को जरूर चैलेंज करवाएं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों हर साल जिनको दोस्तों यहां पर एक नंबर से या दो नंबर से कंपार्टमेंट दे दिया जाता है और बाद में जब वो अपनी कॉपी को रीचेकिंग करवाते हैं तो वो पास हो जाते हैं। लेकिन अप्लाई में कहूंगा केवल वही स्टूडेंट्स करें जो 100% अपने आप पे भरोसा करते हैं, जिनको श्योर है, अपने आप पे इतना भरोसा है कि मैंने पेपर में इतना तो लिख के आया था कि मैं कंपार्टमेंट नहीं आ सकते थे, वही अप्लाई करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं सभी बच्चों को इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अप्लाई फ्री में नहीं होगा। यहां पर आपको अप्लाई करने के लिए 500 रुपीज पर सब्जेक्ट देना पड़ेगा। अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट है देन दोस्तों आप अप्लाई की तरफ जरूर जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पे हर साल जो है बच्चों के नंबर बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं, कंपार्टमेंट आपकी आ गई है, एक सब्जेक्ट में हो सकती है या फिर दो सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आ गई है, तो ऐसे में जो है आपके कंपार्टमेंट के एग्जाम जो है आपके जुलाई में होने वाले हैं। तो जुलाई का जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चंस कहां से आ रहे होंगे, कंपार्टमेंट में क्वेश्चन कैसा मिलता है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कंपार्टमेंट का पेपर दिखाना चाहूंगा। आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से दोस्तों कंपार्टमेंट जो है कंपार्टमेंट का पेपर आता है। सबसे पहले आप लोग देखिए क्लास 10 के स्टूडेंट्स का जो है मैथमेटिक्स का दोस्तों यहां पे पेपर है। तो मैथ का देखिए स्टैंडर्ड का पेपर ये रहा और ये बेसिक का पेपर देखिए। क्लास 10 के बच्चों का साइंस का पेपर भी देख लीजिए और वहीं हम क्लास 12 की बात करें तो मैथमेटिक्स का पेपर देख लीजिए, फिजिक्स का देख लीजिए, केमिस्ट्री का देख लीजिए। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोग के पेपर आते हैं, जिसमें आप लोग यहां पे देखेंगे तो यहां पे जो क्वेश्चंस है दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन जो है एकदम डिफरेंट है। कंपार्टमेंट का पेपर है एकदम अलग तरीके से बनता है, बोर्ड के पेपर से कंपार्टमेंट का कोई लिंक नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कंपार्टमेंट का जो पेपर होता है दोस्तों वहां पर जो है वहां पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कि अलग से क्वेश्चन बनाया जाता है उसके लिए अलग बुक आपको पढ़नी पड़ेगी, सिमिलरली आपको वही बुक्स पढ़नी पड़ेगी। एक अच्छी बात यह है कि कंपार्टमेंट का पेपर दोस्तों यहां पर जो बनता है वो ज्यादातर दोस्तों एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करता है। तो ऐसे में 10 एंड 12 के स्टूडेंट जो आपके पास समय है, सबसे पहले जो एनुअल में आपने गलती की थी वो गलती आपको नहीं करना है। एनसीईआरटी के पहले वो चैप्टर्स को छांट लीजिए जिसका वेटेज बहुत ही ज्यादा हाई है, पहले वो
वो चैप्टर को करिए, अच्छी तरीके से कंप्लीट करिए। सबसे पहले जो है 3-4 चैप्टर को, वो वाले चैप्टर को कर लीजिए जिससे आप लोग जो है यहाँ पर अच्छे नंबर बन जाए, यानी कि पासिंग नंबर पहले बनाइए। उसके बाद दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट होता है एनुअल पेपर में, दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट नहीं होता उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपार्टमेंट के पेपर में, प्रीवियस ईयर के पेपर को यहां पर हर हाल में 2-3 बार को कर लीजिए। यानी 10 के स्टूडेंट्स, 12 के स्टूडेंट्स, जितने भी कंपार्टमेंट के प्रीवियस ईयर के पेपर है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से सोल्व कर लीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर का पेपर। वहां पर एक एक क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यानी कि जो आपको कंपार्टमेंट के पेपर में एक एक क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो मल्टीपल टाइम रिपीट होकर वहां पे पूछा गया होता है। यानी कंपार्टमेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम जो है वो रिपीट होता है। तो दोस्तों जरूरी है कि कंपार्टमेंट का प्रीवियस ईयर के पेपर को करिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है क्लास 10th और 12th के जितने भी दोस्तों आप लोग की रिक्वेस्ट जो है मेरे प्रीवियस वीडियोस में आए, क्लास 10 का साइंस को लेकर, मैथ को लेकर, एसएसटी को लेकर मैक्सिमम रिक्वेस्ट था, और क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को लेकर जो है मैक्सिमम रिक्वेस्ट था। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको जो है यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और यहाँ पे साइंस और साथ के साथ जो है मैथ बेसिक और स्टैंडर्ड और इसके साथ साथ एसएसटी का जो है मैं आपको सारे के सारे दोस्तों कंपार्टमेंट के पेपर में है आपको दे रहा हूँ, पीडीएफ के रूप में आपको दे रहा हूँ, ताकि दोस्तों आप लोग जो है इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक बार पहले देख लीजिए कि कंपार्टमेंट का क्वेश्चन किस तरीके से आता है और साथ के साथ जो है इसको करने भी लग जाइए, क्योंकि अब जो है बिल्कुल आपके पास समय नहीं है कि आप जो है वेट करेंगे। अब आपको वेट करने का कोई चांस आपके पास नहीं है। अगर आप रीचेकिंग की तरफ जा रहे हैं तो उसमें भी आपको जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप पढ़ाई को छोड़ दें, रीचेकिंग का रिजल्ट आएगा वो आने दीजिए, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू करिए क्योंकि टाइम धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो आपको कंपार्टमेंट का जितने भी दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर है वो मैं सबको सब जो है आपको जो है अपने चैनल पे दे रहा हूं। यहां पे दोस्तों टेलीग्राम पे जो है मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम से जाके देख लीजिए। और साथ के साथ जिन बच्चों के पास टेलीग्राम नहीं है तो आप लोग को जो है गूगल ड्राइव का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से देख लीजिए। आपको जो इजी पड़ता है, आप पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको लिंक पे क्लिक करके गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना अच्छा लगता है तो गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको दोनों ही लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आपको कंपार्टमेंट को लेकर जो है नोट्स भी देने वाला हूं, ताकि आपकी तैयारियां बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। शॉर्ट नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो कंपार्टमेंट को लेकर दोस्तों ढेर सारी कंटेंट जो है आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल भी दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है कंपार्टमेंट को लेकर। दोस्तों आगे काफी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाली है, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद।